नमस्कार, अंदर की बात में आपके साथ मैं हूं आरती। भारी बारिश ने उत्तर और पश्चिम भारत में तबाही मचा दी। 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, बादल फटने, घर ध्वस्त होने, पेड़ और बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 11 मौतें हिमाचल में हुई। कैसा है उत्तर और पश्चिम भारत में तबाही का सिलसिला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारी बारिश ने उत्तर और पश्चिम भारत में तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बीते 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, बादल फटने, घर ध्वस्त होने, पेड़ और बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 11 मौतें हिमाचल में हुई। इसके अलावा यूपी में 8, उत्तराखंड में 6, दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर, हरियाणा व पंजाब में 2-2 की जान चली गई। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी के उफान में 40 साल पुराना पुल बह गया है। दिल्ली में 41 साल बाद जुलाई में एक दिन में 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश के चलते उत्तर रेलवे ने 17 ट्रेनें रद्द कर दी है। 12 ट्रेनों के मार्ग बदलने पड़े हैं। हिमाचल में 24 जून को मानसून पहुंचने के बाद से ही भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बरसात को लेकर रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के कई इलाकों में ट्रैक पर पारी भरने से अंबाला से ऊना आम दौलतपुर चौक आने वाली वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं बन गई है, जहां तक कि सड़कें और पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गई। इस बीच हिमाचल में मंडी के फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। क्या है तबाही का मंजर, देखते हैं मॉनसून स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई है। यहां तक कि सड़कें और पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गए। इस बीच हिमाचल के मंडी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग हिमाचल के मंडी जिले के नगवेन गांव में फंसे हुए थे, जिनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करना पड़ा। वहां फंसे हुए लोगों को रस्सी से नदी पार करके निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की गजब की तस्वीरें सामने आई हैं। इस रेस्क्यू का वीडियो भी सोशल मीडिया में सामने आया है। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से मंडी जिले के नगवेन गांव के पास 6 लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाते हुए उन लोगों का रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बरसात को लेकर रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब के कई इलाकों में ट्रैक पर पानी भरने से अंबाला से ऊना आम दौलतपुर चौक आने वाली वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उत्तर भारत में इस वक्त लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, तो दिल्ली NCR के पॉश इलाकों से लेकर हिमाचल उत्तराखंड की सुदूर वादियों में एक जैसी स्थिति है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव है। बारिश के कारण स्कूल बंद है, तो वहीं यातायात भी प्रभावित हुआ है। क्या कहां घटा और किस जगह पर क्या स्थिति है, देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कहर बनकर बरस रही है। जहां शहरों में जलभराव की स्थिति है, तो वहीं पहाड़ों पर बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन से जान पर बनाई है। बारिश ने रफ्तार में ब्रेक के साथ ही बच्चों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी है। उत्तर भारत में कई प्रदेशों, कई जिलों में आगे 3 दिन तक स्कूल बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में 11 और 12 जुलाई को चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून और हल्द्वानी में स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को 11 जुलाई 2023 तक बंद रखने का आदेश दिया है। पंजाब के भी जिलों में स्कूल बंद रखने का आदेश आया है। राजधानी में यमुना के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके चलते दिल्ली के पुराने लोहे के पुल के पास यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। इससे यहां रहने वाले करीब 37,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। वहीं हरियाणा से और अधिक पानी छोड़े जाने पर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में मानसून का कहर दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश से मीटो रोड ब्रिज, अंडर ब्रिज,
के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पानी से भर गया। वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी के जलस्तर में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक मंगलवार तक यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। क्या होगा दिल्ली वालों के दिलवालों की शहर की स्थिति, स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। भारी बारिश के चलते दिल्ली का हाल बेहाल हो गया। राजधानी के कई हिस्सों में सड़कें बारिश के पानी में डूब गई है। इसके अलावा कई सांसदों के बंगलों के अंदर भी बारिश का पानी भर गया है। इस बारिश में डूबने वाली मिंटो रोड ब्रिज, अंडरपास ब्रिज के नीचे भी पानी भर गया है। फिलहाल एहतियातन मिंटो ब्रिज को बंद कर दिया गया है। ब्रिज के पास ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। राजधानी में यमुना के जलस्तर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। पुराने लोहे के पुल के पास यमुना का स्तर के निशान कुछ मीटर ही नीचे बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी में जलस्तर बढ़ रहा है और मंगलवार को इसके खतरे के निशान 205% 3300 मीटर को पार करने की आशंका है। CWC के बाढ़ निगरानी पोर्टल के अनुसार रविवार को दोपहर 1 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 203% 18 मीटर था। चेतावनी स्तर 204% 5 मीटर है। दिल्ली में नदी के पास के निचले इलाकों को बाढ़ के प्रति संवेदनशील माना जाता है और यहां लगभग 37,000 लोग रहते हैं। कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी घुस गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में ये बारिश अगले 2 दिन और जारी रह सकती है। राजधानी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।